मेरे सभी भाइयों को, मेरी बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, सभी बुजुर्गों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं बहुत ही कॉमन दवा की, एक लोकप्रिय दवा, इसका नाम है मर्टज़ापीन। हिंदुस्तान में ये जो सॉल्ट है, जो दवा है, कई ब्रांड के बैनर तले आती है, जिसमें से रेमरन एक है, एक्सिपिन एक है, मेटाज एक है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इस दवा को मार्केट में निकालती हैं। करती क्या है ये दवा, क्यों दी जाती है, आइए इस वीडियो के अंदर आज हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आ पाए। ये जो दवा है एक्सिपिन, मेटाज, रेमरन, जो सॉल्ट है मर्टज़ापीन, करती क्या है, यह एक एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट काम कैसे करती है नहीं पता। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ये काम कैसे कर रही है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है इसके एक्शन का, हमें नहीं पता कि काम कैसे कर रही है, लेकिन दी जाती है, बिल्कुल दी जा सकती है। जो चिकित्सक हैं वो देते हैं इस दवा को अपने पेशेंट्स को। जो प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं, जो एविडेंस है, वो क्या बोलते हैं, मे बी ये दिमाग के अंदर जो केमिकल्स है, नॉर एडेनलिन, राइट, नॉर एपिफेरिन, सेरोटोनिन, जो केमिकल्स हैं जो कि मैं आपको खुशी देते हैं, आपको काम रखते हैं, वो जो केमिकल्स हैं उसको बढ़ाती है, मे बी हो सकता है करती हो। इसलिए इस दवा को दिया जाता है क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को, ताकि वो एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से लड़ पाएं आर्टिफिशियली। जी हाँ, आर्टिफिशियली दवाई है, सिम्टम्स पे काम करती है, पेरिफेरी पे काम करती है, ग्रास रूट पे काम नहीं करती। इस दवाई की हाफ लाइफ क्या है, इस दवाई की हाफ लाइफ है 20 से 40 घंटे। 20 से 40 घंटे तक हमारी बॉडी से आधी दवा बाहर हो जाती है, ये इसकी हाफ लाइफ है। FDA ने इस ड्रग के लिए काफी सारी वार्निंग जारी कर रखे हैं, जिसमें से एक मेजर वार्निंग जो है वो है सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड। इस ड्रग को लेने से जो थॉट्स हैं, जो आपका एजिटेशन है, हेलुसिनेशन है, सुसाइड करने की जो यू नो मन करता है लोगों को, बढ़ जाता है। तो FDA ने बोला हुआ है कि डॉक्टर्स बड़े ही यू नो टाइट फॉलोअप करें अपने पेशेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ बहुत टाइट फॉलोअप, उन्हें बताएं कि ऐसा हो सकता है कि आपके थॉट प्रोसेस में ऐसे थॉट्स आए, आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो, एक्सट्रीम सैडनेस हो, ये कुछ कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और FDA ने वार्निंग भी जारी कर रखी है इसके लिए। और क्या वार्निंग्स हैं इसकी, अगर आप में से कोई, मेरा भाई, मेरे बहन, कोई बुजुर्ग अगर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहा है जिसमें L-ट्रिप्टोफैन है, जो कि अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, अगर आप वो ले रहे हैं, उस अमीनो के साथ इस मेडिसिन को नहीं लेना होता। जी हाँ, नहीं लेना होता, लेकिन मैं जानता हूं हिंदुस्तान में जो लोग हैं जो खा रहे हैं, कभी उनसे ना उन्होंने सोचा ना उनसे पूछा गया। उसी के साथ साथ एक ड्रग होती है, इसको बोलते हैं माओ, माओ इनहिबिटर्स। माओ क्या होते हैं, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। क्या होता है ये वो कुछ एंजाइम है जो दिमाग के अंदर सेरोटोनिन, आपके डोपामिन, जो ये केमिकल्स है, इसको डिग्रेड करते हैं, इसको डिग्रेड करते हैं। अगर मैं इसको इनहिबिट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे दिमाग में जो सेरोटोनिन है, जो हैप्पी केमिकल्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप वो दवाई खा रहे हैं, इसको बोलते हैं माओ इनहिबिटर्स, तो आपको ये दवाई नहीं खानी है। अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी दवाई नहीं खानी होती। अगर आप 18 साल से कम है तो आप दवाई को बिल्कुल नहीं लेंगे। ये तो ये कुछ वार्निंग्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग्स हैं इस दवाई को लेके। कॉमन साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के, इचिंग होना, हाइव्स होना, रैशेस होना, गले में, नेक में, थ्रोट में आपकी स्वेलिंग आ जाना, ज्वाइंट पेन होना, हेलुसिनेशन, एजिटेशन, जैसी जो ये तकलीफें हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इस मेडिसिन के, जो कि एक्सेसिव सेरोटोनिन की वजह से भी हो सकते हैं। अब बात आती है, क्या ये मेडिसिन, जो ये मेडिसिन है मर्टज़ापीन, क्या ये हमारा IBS ठीक कर सकती है? जी माफी चाहूंगा, ये IBS तो ठीक नहीं कर सकती। किस काम के लिए बनी थी, एंटी डिप्रेसेंट है, काम करती है आपके डिप्रेशन पे, काम करती है डिप्रेशन पे आर्टिफिशियली आपके केमिकल्स को बढ़ाती है, जिन केमिकल्स को हम योग से, प्राणायाम से, वर्कआउट से, अच्छे खान पान से बढ़ा सकते हैं, उस केमिकल्स को दिमाग में बढ़ाती है, जिसकी वजह से इसको मैं बोलता हूं आर्टिफिशियल बैलेंस कर रही है आपकी बॉडी के अंदर, आर्टिफिशियली आपको ही करने की कोशिश कर रही है। IBS को ठीक नहीं कर सकती है, जड़ से बिल्कुल नहीं कर सकती है, क्योंकि सुबह शाम मेरा काम ही यही है। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर क्या करें, कैसे ठीक करें, क्या कर सकते हैं, हम ये दवाई खा रहे थे, अलग अलग ब्रांड नेम के अंदर सेम सॉल्ट था मर्टज़ापीन, वो खा रहे थे, कुछ हुआ नहीं, सेक्सुअल लाइफ जीरो हो गई, स्पर्म नहीं बनते,
लड़कियों को पीरियड्स में दिक्कत आनी शुरू हो गई, ऑर्गेजम के बाद वेट नहीं आ रहा। सो ऐसे कई सारे जो परेशानियां हैं वो बड़े कॉमन है, मेरे को समझ में आती हैं। और रीअकरेंस बहुत कॉमन है कि मेडिसिन छोड़ दी उसके बाद दोबारा से वही हाल हो गया, दोबारा खाएं क्या मेडिसिन, फिर खाएंगे कुछ टाइम, जब तक खाएंगे तब तक हम शहंशाह, छोड़ दिया फिर से वही हाल। सो दोस्तों ये मेडिसिन जो है ऐसे काम करती है, अगर लेना है कि नहीं लेना है वो आपका व्यक्तिगत चॉइस है, आपकी खुद की चॉइस है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा काम है सत्य वचन बोलना, मेडिसिन के बारे में बताना आप लोगों को कि मेडिसिन कैसे काम कर रही है, क्या क्या है मेडिसिन में, सॉल्ट कौन से कैसे काम कर सकती है, और यही मेरा कर्तव्य है। इस पूरे विश्व को, इस हिंदुस्तान को मुझे ड्रग फ्री करना है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, कर्म योग में बिलीव करता हूँ, भक्ति करता हूँ। और भक्ति करने वाला आदमी, भक्ति योग कर्म योग करने वाला आदमी कभी भी ऐसी कोई चीज किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करता जिससे कि लॉन्ग रन के अंदर उसका शरीर खराब होता हो। सो मैं रिस्क को छोड़ के सिर्फ बेनिफिट की बात नहीं करता, मैं बेनिफिट रिस्क दोनों की बात करता हूं। तो ये मेरा ट्रीटमेंट है अपना खुद का, मेरे व्यक्तिगत विचार भी हैं ये। और इसी उद्देश्य से इसी संकल्प से मैं हर दिन उठता हूं और अपना कार्य करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत लोगों को हमारे हिंदुस्तान में ऐसी वीडियोस की जरूरत है, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ऐसे अच्छी वीडियोस जिसमें इतना डिस्क्रिप्शन हो, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस नहीं है, मैं जानता हूं नहीं है। इसलिए मैंने ये पूरी सीरीज लॉन्च की है जो मेडिसिन के ऊपर है। आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को, अगर सपोर्ट नहीं आएगा तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अपने उद्देश्य अपने संकल्प जो मैंने लिया है उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। कई सारे मेरे बुद्धिजीवी भाई हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो कि आजकल बहुत अपशब्द बोल रहे हैं और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं हमारे लिए कि हम मेडिसिन नहीं देते। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन मैं अपने अपने पाथ से, अपने मार्ग से बिल्कुल भी हटने वाला नहीं हूँ। मैं इसी मार्ग पर चलूँगा और भलाई करने में विश्वास रखता हूँ, यही करता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का, मैं दिल की गहराइयों से, आपने समय निकाला ये वीडियो देखने के लिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम।